ਹਰਪਾਲ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਏ ਹਰਪਾਲ ਜੋ ਜਨਾਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਹਿਨ ਜਨਾਬ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਕਰ ਹਵਲਦਾਰ ਕੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ जनाब मुझे पता चल गया मेरी प्रमोशन होने वाली है। प्रमोशन? हाँ जी। सिर्फ ऊपर ऊपर से नीचे से नहीं? बाहर मुझे बाबा जी मिले थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि तेरी प्रमोशन होने वाली है और बड़ी बात यह है कि उनसे मैं हाथ देखने वाली सारी विद्या सिखाया हूँ। हाथ देख लोगे तुम? हाँ जी। भविष्य बता सकते हो? बता सकता हूँ। अपना थोड़ा सा मुझे बताओ यार, है क्या चक्कर मेरी तरक्की में? पढ़ो पढ़ो ऊपर क्या लिखा है साहब जी। सही तरह से पढ़ा नहीं जा रहा साहब जी। क्यों, लकीरें उर्दू में? सही तरह से पढ़ो यार, बताओ यार कुछ। साहब जी आपका हाथ देखकर ऐसे लग रहा जैसे है ना आप बाप बनने वाले। बाप? यार हरपाल, बीवी मेरी पंजाब में है, ड्यूटी मेरी बॉम्बे में, बाप कैसे बनूंगा यार? नहीं वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हरपाल साहब जी उसका आपको मैं उपाय बताऊंगा ना। सीधी तरह बात किया करो, ध्यान से देखो। रेखा? क्या क्या कह रही है मेरी रेखा? मेरी रेखा, सबको पता है रेखा किसकी है, कहते मेरी रेखा। अब मेरी ना नजर सही जगह चीज पर पड़ी है। सही चीज पर? हाँ, सही चीज तो उधर है। कुछ नहीं कुछ नहीं साहब जी, आपकी ना जिंदगी में ना एक शख्स की ना एंट्री होने वाली है। अच्छा। जिसका नाम शाह से शुरू होने वाला है। हरपाल जी जनाब। यार मेरे भाई जैसे हो तुम। यार मुझे समझ नहीं आती इतने साल डंडे क्यों मारे। रखो यार उधर, दबा कर दो, दबा कर दो, दबा कर दो इसको। थैंक यू जनाब, थैंक यू। रख दो इधर, आए ना जनाब। पर आगे तो सुन लीजिए, हमारे बीच जो डंडा आना नहीं चाहिए यार, जब प्यार इतना। हरपाल जनाब कितनी गोरी है यार, है? ऐसा लगता है चाय के साथ कोल्ड क्रीम खाती है। शेरवानी में अच्छा लगूंगा, जींस में यार। पता है यार हरपाल, ना पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं यार हरपाल, पाल जी जनाब इधर आ यार, तेरी पप्पी लेने को दिल करता है। इधर आ यार। सर पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, पप्पी की क्या जरूरत है? मैं फीलिंग लेना चाहता हूँ यार, फीलिंग ले रहा हूँ। सर पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, हाथ दिखाइए अपना। यार अभी क्या बाकी रह गया, सारी बात तो हो गई है। सारी और क्या रह गया? सर उसका नाम शाह से शुरू होगा। चलो सस्पेंस खत्म कर दो, मुझे तो पता चल ही गया, इनको बता दो सभी को। सर उसका नाम है शक्ति कपूर। जिस काम के लिए आए वो काम शुरू करो, बुलाओ एक एक करके। चलो भाई थैंक यू जी। नमस्कार शत्रु जी। नमस्कार सिद्धुपा जी। नमस्कार हजूरे वाला जनाब। मैं कानपुर से अनुरोध मद्देसिया। मद्देसिया नाम से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन कभी भी कहीं भी हो सकता है। सिद्धुपा जी ऐसा ही कन्फ्यूजन मेरे साथ हुआ। मैंने कविता और फोटो उखार में छपने के लिए भिजवाई, पर कविता नहीं छपी, फोटो शोक समाचार में छपी। फिर मैंने कविता और फोटो उखार में छपने के लिए भिजवाई, कविता फिर भी नहीं छपी, फोटो छपी, नीचे लिखा था 2 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। मैं संपादक महोदय के पास पहुंच गया, मैंने कहा कभी आप शोक समाचार में छाप देते हैं, कभी कहीं छाप देते हैं, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। उन्होंने कहा मैं गलती सुधार करूंगा। अगले दिन फिर मेरी अखबार में फोटो आई, नीचे लिखा था बड़े दुख के साथ खेद है ये अभी तक जीवित हैं।
मैंने एक ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखाया, उन्होंने बताया बेटा शनि भारी है। मैंने कहा बाबा शनि भारी हो या हल्का, मुझे कौन गोद लेना है। पर आप ये बताइए मेरी शादी कब तो होगी। वो बोले 2020 तक कोई लगन मुहूर्त नहीं आए। हमने कहा उसके बाद, वो बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। हालांकि शत्रु जी मैं बता दूं, मुझे अपनी पर्सनालिटी से कोई नुकसान नहीं है। आंधी चल जाए मेरा भाड़ा फिर, पानी भर जाए मैं बहते हुए घर पहुंच जाता हूं, और मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तो मैं ज्यादा देर तक मार नहीं खा सकता, क्योंकि 1.5 मिनट पिटने के बाद मुझको मारने वाले पे धाराएं बढ़ सकती हैं। उसको दफा 307, 308, 302 भी लग सकती है। और मेरा चेहरा कभी सूख नहीं सकता, पहले से सूखा हुआ है। और सर मुझको कोई गिफ्ट में कपड़ा देता है तो मैं अपनी पैंट बनवाता हूँ, बच्चे की हाफ पैंट बनवा लेता हूँ। मैं तो अपनी बॉडी के फायदे पर एक किताब भी लिख रहा हूँ, जल्दी मार्केट में आ जाएगी, अनुरुद मदेशिया मांसपेशिया। शत्रु जी आपको मालूम होगा चुनाव आयोग से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हुआ, मैंने एक औरत का पहचान पत्र देखा, उस पर औरत की फोटो छपी, नाम लिखा श्रीमान छेदीलाल टंडन, पति का नाम फुलवंती उपन्नो, जन्मतिथि राजीव नगर गंगापुर कॉलोनी पीछे, पता 1984, संबंध व्यवसायिक, लिंग 164, उम्र संख्या पुरुष। ऐसी गलती इलेक्शन कमीशन से अक्सर हो जाती है। मेरा दोस्त नंदू, एक दिन उसका सुबह सुबह फोन आया, बोला यार तुमसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कहा अच्छा फिर रखो, जब हो जाए तब करना। बोला यार वो बात नहीं है, तुमसे बात करके मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। हमने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी हवा कम कर दे। बोला यार वो बात नहीं है, तुमसे बात करके मुझे गर्व हुआ है। हमने कहा ये नई बात है, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। कैसे गर्व हो गया? एक दिन बेचारा सुबह सुबह आया, बड़ा दुखी था, बोला यार शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा अच्छा तेरी सोच क्या है, तेरी पसंद क्या है। बोला मैं बाबा रामदेव का परम भक्त हूँ, अटल जी को आदर्श मानता हूँ, अब्दुल कलाम जी की तरह बनना चाहता था, लता जी के गाने बहुत पसंद हैं, मायावती जी को वोट दिया है। मैंने कहा एक बात बता, तेरी कोई शादीशुदा पसंद नहीं?